एवरी वन हाउ आर यू ऑल दिस इज मानसी वेलकम टू माई चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल ऑल्सो इफ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट बींग कंसिस्टेंट आई नो आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे बट मैं इतनी रेगुलर वीडियोज पोस्ट नहीं कर रही थी आई मेक श्योर की नाउ आईल अपलोड वीडियोज रेगुलरली सो कमिंग बैक हियर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर टेन सो चैप्टर टेन का नेम है टेनिथ एंड हंड्रेड अब ये टेनेथ और हंड्रेड क्या होता है देखो कोई भी नंबर है लेट्स सपोज सिक्स ट्वेंटी फोर ठीक है ये एक नंबर है अब इसमें हमने पढ़ा है वन टेंस हंड्रेड ये सब पढ़ा है सो दिस वन इज वन्स देन इसको हम कहते हैं टेंस इसको कहते हैं हंड्रेड एंड थाउजेंड एंड सो ऑन सो ये सारे इसके प्लेसेस होते थे कि वंस प्लेस पे डिजिट है ये प्लेस पे है ये हंड्रेड प्लेस पे है अब यहाँ पे जो वर्ड है ये 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 नहीं है ये है 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 अब ये क्या होता है? ये आता है जब हम डेसिमल नंबर्स की बात करते हैं जैसे कि अगर यही नंबर है सिक्स ट्वेंटी फोर सात में है पॉइंट सेवन फाइव ठीक है सो ये क्या रहा वंस ये टेंस ये हंड्रेड सेम लेकिन पॉइंट के जो यहां पे होता है इस साइड कोई वंस नहीं होता ये होता है ये होता है हंड्रेड और इसी के आगे अगर कोई नंबर होता तो वो होता थाउजेंड उसमें भी लास्ट में टी एच एस लगता है लेकिन अभी सिलेबस में सिर्फ टेनथ और हंड्रेड थे तो ये डेसिमल के बाद के दो डिजिट्स के लिए यूज होता है ठीक है सो वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड सो ऑन और इस साइड अगर जाओगे तो डेसिमल के एग्जैक्ट बाद वाली डिजिट होती है टेन एथ उसकी अगली डिजिट होती है हंड्रेड एंड सो ऑन ठीक है सो ये समझ आ गया तो मतलब इस चैप्टर में हम नंबर्स करेंगे जिसमें डेसिमल होगा सो so, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं स्कोर कर देती हूं मैं इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का अब हम बात करते हैं चैप्टर स्टार्ट चार्ट कहां से हो रहा so, okay, you पे है पेज वी आर ऑन पेज पेज ओके इफ यू हैव योर बुक्स वेरी गुड अदरवाइज पे है सो वॉट वॉज लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल यू हैव यूज तो जो आपने सबसे छोटी पेंसिल यूज करी है उसका क्या लेंथ होगा रैंडम सा क्वेश्चन है कुछ भी आंसर दे सकते हो इससे छोटी तो किसी ने क्या यूज़ करी होगी सो वी कैन राइट टू सेंटीमीटर लेट्स सपोज सबसे छोटी पेंसिल जो हमने यूज करी है वो टू सेंटीमीटर की थी आपकी कुछ भी हो सकती है हाउ लॉन्ग इज दिस पेंसिल गेस सो एक पेंसिल बनी हुई है हमें गेस करना है कि ये पेंसिल कितनी सेंटीमीटर की होगी वन सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर रैंडम गेस कर लो जैसे आई थिंक ये थ्री सेंटीमीटर की होगी ठीक है गेस ही करना है हमें सो नाउ मेजर इट यूजिंग अ स्केल हाउ गुड इज योर गेस सो अब हमें मेजर करना है स्केल की हेल्प जब हम स्केल से आप इसको मेजर करोगे स्केल से आई होप सबको मेजर करना आता होगा मैं यहाँ पे एक रूलर सा बना के दिखा देती हूँ आपको देखो यहां से स्केल का मान लो पॉइंट स्टार्ट होता है सो so, वन टू छोटी लाइंस बना रही हूं मैं ठीक है सो वन टू थ्री फोर और जो फिफ्थ लाइन होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इन टेन है ना फिर यहाँ पे और बड़ी लाइन आ जाती है और ये जो टेन है ये यहाँ पे क्या होता है हमारे स्केल पे वन होता है बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं ना थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूं मैं ये जो बड़ी वाली लाइन है ये होता है वन ठीक है इसी तरह से फिर आगे बढ़ता है वन टू थ्री फोर फिर से फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिर से ये बड़ा वाला आ गया एंड दिस इज टू सेंट इसी तरह से इसमें आगे जाते रहेंगे सो so ऐसे करते 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 थ्री फोर फाइव जितना भी आपका बड़ा स्केल होगा सो so अब इसको हम मेजर कैसे करते हैं कोई भी चीज को यहां से स्टार्ट करते रखना और फिर वन सेंटीमीटर है टू सेंटीमीटर है जो भी है तो जब हम इस पेंसिल को रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जहां पे थ्री सेंटीमीटर है और फोर सेंटीमीटर अब थ्री और फोर के बीच में भी टेन लाइन्स होंगी सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस तरह से होंगी ठीक है अब जब आप पेंसिल को मेजर करोगे तो वो आपकी पेंसिल जहां जीरो से स्टार्ट किया हो मतलब यहां से स्टार्ट करके वो आएगी इधर तक ठीक है अब इधर तक आई है क्या मतलब है ना तो थ्री है ना तो फोर है इसको हम कैसे लिखते हैं ये होता है हमारा थ्री पॉइंट वन ये होता है थ्री पॉइंट टू ये होता है थ्री पॉइंट थ्री ये होता है थ्री पॉइंट फोर ये होता है थ्री पॉइंट फाइव ये होता है थ्री पॉइंट सिक्स तो मतलब पेंसिल को जब हमने मेजर किया तो वो आई 3.6 सेंटीमीटर की मैं बहुत बेसिक आपको मेजरमेंट समझा रही हूँ आप भी सोच रहे हो गए मैम को क्या लगता है मैं मेजर करना नहीं आता स्केल से बट फिर भी मैंने आपको बेसिक बता दिया कि इस तरह से हम मेजर करते हैं नाउ वी कैन सी दैट अंजू यूज अ लेंस टू मेक इट लुक बिगर सो आप देख सकते हो इमेज में एक स्केल है एंड देन उन्होंने क्या किया एक लेंस को यूज किया स्केल को बड़ा देखने के लिए इट इज मोर देन थ्री थ्री सेंटीमीटर सो हम पहले देख चुके हैं थ्री पॉइंट सिक्स होगी वो नाउ अब यहाँ पे आप बाबल में देखो क्या कह रही है वन सेंटीमीटर हैजेन इक्वल पार्ट एक सेंटीमीटर जैसे यहां से लेके अगर मैं यहां तक की बात करूँ ये क्या है एक सेंटीमीटर है वन से टू या अगर हम थ्री से फोर की बात करें ये एक, एक सेंटीमीटर होता है है ना जैसे जीरो से सेंटीमीटर होता है, और अगर हम जीरो से पूरा टू तक देखें तो वो टू सेंटीमीटर होता है तो हर मतलब ये वाला इनके बीच में जो गैप है वो वन सेंटीमीटर का होता है ना तो वो कह रही है कि हर सेंटीमीटर टेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है जैसे ये एक सेंटीमीटर है यहां से यहां तक तो ये में डिवाइडेड है नाउ सो ईच पार्ट इज वन सेंटीमीटर सो हर part, ये हर पार्ट जो होगा वो वन टेंथ होगा इस तरह से भी हम लिखते हैं वन टेंथ को ठीक है नाओ वन टेंट्स एंड होल्स में किया हुआ तो ये वन टेंथ हो गया ऑफ अ सेंटीमीटर नाउ वन टेंथ ऑफ सेंटीमीटर इज कॉल्ड मिलीमीटर अब एक सेंटीमीटर का वन टेन देखो यहां से लेके यहां तक ये पूरा होता है वन सेंटीमीटर लेकिन ये जो छोटा छोटा से यहां से यहां तक वन मिलीमीटर देन अगेन यहां से यहां तक अगेन वन मिलीमीटर यहां से यहां तक अगेन वन मिलीमीटर मतलब ये जो छोटा छोटा गैप है ये सब वन वन मिलीलीटर मिलीमीटर के गैप पे होते हैं ठीक है सो मतलब इसीलिए ये होता है जैसे वन है ना उसके बाद वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री सो बेसिकली क्या है मिलीमीटर साथ चल रहा है ठीक है so सो यहाँ से हम एक चीज और देख सकते हैं कि एक सेंटीमीटर में जब हम वन सेंटीमीटर की बात करते हैं वो कुछ भी हो सकता है वन से टू भी वन सेंटीमीटर है थ्री से फोर भी वन सेंटीमीटर है सिक्स से सेवन भी वन सेंटीमीटर तो वन सेंटीमीटर के अंदर टेन मिलीमीटर mm होते हैं ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो एक सेंटीमीटर में टेन मिलीमीटर होते हैं गॉट इट नेक्स्ट है हमारे पास सी आई एम थ्री मिलीमीटर लॉन्ग ऑल्सो इससे पहले एक बाबल है वो मिस नहीं करते ओ सो दिस पेंसिल इज सिक्स सेंटीमीटर एंड सॉरी थ्री सेंटीमीटर एंड सिक्स मिलीमीटर लॉन्ग सो जो वो पेंसिल थी जो हम लिख रहे हैं थ्री पॉइंट सिक्स तो थ्री पॉइंट सिक्स का मतलब क्या है थ्री सेंटीमीटर जो उसने पूरे कंप्लीट करे देन साथ में सिक्स और फोर तक नहीं पहुंची और सिक्स सेंटीमीटर नहीं है तो ये सिक्स क्या है मिलीमीटर तो हम पेंसिल को कह सकते हैं कि वो थ्री सेंटीमीटर मिलीमीटर की है ठीक है ना थ्री पॉइंट लिख लो या सेंटीमीटर थ्री मिलीमीटर सॉरी थ्री सेंटीमीटर सिक्स मिलीमीटर लिख लो ठीक है वन ऑफ द सेम थिंग देन नीचे एक एंट है छोटी सी वो बोलती है सी आई एम थ्री मिलीमीटर लॉन्ग अब वो इस स्केल में क्या हो रहा है जैसे मान लो एक स्केल है थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके बना के दिखा रही हूँ ये वन और टू के बीच में ठीक है तो अब इसके बीच में पहली बात तो टेन इक्वल पार्ट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है टेन इक्वल पार्ट्स में है अब जब हम छोटी वाली एंट की बात कर रहे करें वो मान लो यहां से यहां तक है तो अब वो कितने मिलीमीटर mm की है वन मिलीमीटर टू मिलीमीटर थ्री मिलीमीटर है ना सो so, वो कह रही है कि मैं थ्री मिलीमीटर mm छोटी सी है ठीक है देन नेक्स्ट है अब एक बड़ी एंट आ गई सो बट आई एम longer, अब वो बोल रही है मैं बड़ी हूँ लंबी हूँ सेवन टेंथ ऑफ सेंटीमीटर और डैश मिलीमीटर अब वो कह रही है मैं ये मैं हटा रही हूँ सेवन टेंथ हूँ सेवन टेंथ का मतलब क्या है देखो सिंपल सा लॉजिक समझते हैं जब हम वन टेंथ कह रहे थे तो वन टेंथ आ रहा था वन मिलीमीटर सिंपल सो अगर मैं सिक्स टेंथ कहूं तो मतलब सिक्स मिलीमीटर जब मैं सेवन मिलीमीटर सो ये जो बड़ी वाली एंट है दिस इज मिलीमीटर ठीक है नाउ नेक्स्ट है वी आल्सो कॉल वन टेंथ ऑफ अ सेंटीमीटर एज जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर देखो वन टेंथ ऑफ अ सेंटीमीटर अगर स्केल की स्टार्टिंग की बात करें जैसे यहां पे अगर मैं इस वाले की बात करूं तो वन सेंटीमीटर कंप्लीट हो चुका है मतलब यहां से बात कर रही से इस पूरे से इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो वन सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया और साथ में वन टू थ्री फोर सो हम इसको लिखते हैं वन पॉइंट फोर है ना इसका मतलब क्या है वन सेंटीमीटर फोर मिलीमीटर या इसको वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर ये दो तरीके लिखने के लेकिन अब अगर किसी चीज को आप मेजर कर रहे हो जो वन तक पहुंची ही नहीं जो सिर्फ यहां से स्टार्ट हुई और यहां पे आके हुई। अभी तो है ही नहीं तो हम इसको क्या लिखेंगे ऐसे करते हैं अब यहां पे क्या हो रहा है, तो हुआ है नहीं तो जीरो कितने लिया मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये हो गया जीरो पॉइंट सिक्स ठीक है समझ में आया यही सेम चीज यहां पे बोली है वी ऑल्सो कॉल वन टेंथ वन टेंथ को वी कैन से एज जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर मतलब वन मिलीमीटर को हम कह सकते हैं जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर क्योंकि वन टेंथ वन मिलीमीटर या जीरो पॉइंट सेंटीमीटर दोनों कह सकते हैं सिमिलरली वी रीड इट एजन सेंटीमीटर सो वन मिलीमीटर इज द सेम ये मोटा मोटा समझ लो वन टेंथ मतलब 1 mm. 1 mm को हम कह सकते हैं जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर एक ही बात अब जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर कह लो वन मिलीमीटर mm कह लो जैसे यहाँ पे कर रहे थे ना अगर सिक्स पॉइंट फोर है तो इसको सिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर कह लो या सिक्स सेंटीमीटर फोर मिलीमीटर mm कह लो ठीक है एक ही बात है ठीक है आई होप ये पूरा इतना सारा आपको समझ में आ गया हो क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ हैं तो डरना मत अगर नहीं समझ आया फिर से मैं रिपीट कर दूंगी पर मेरे रिपीट करने से पहले प्लीज वीडियो को दोबारा देखना आपको आई एम श्योर समझ में आ जाएगा so, सो दिस को यही एंड करते हैं क्योंकि बहुत लेंदी हो गया समझने वाला प्रोसेस सो so, अगर आपको पहली बार में क्लियर नहीं हो रहा प्लीज रिपीट करके वीडियो को देखना I'm sure आपको समझ में आ जाएगा अदरवाइज ऑल्सो आई एम स्टिल हेयर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कोई प्रॉब्लम है तो आई एल बी देयर टू हेल्प यू एंड अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो अगेन आप कमेंट्स मेंशन कर सकते हो सो नाउ आई सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू वीडियो टिल दैन टेक केयर एंड बै